हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई सिखाने वाला है कि ये वाला वीडियो कैसे एडिट करना है, जो अभी टिकटॉक पे बहुत ही ट्रेंड पे है। इस ऐसे वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी काइन मास्टर की। अगर आपके पास काइन मास्टर का प्रो वर्जन नहीं है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपका भाई ऐसे धमाकेदार ट्यूटोरियल आगे भी लाने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को ट्राइपॉड पे या कोई भी स्टडी पोजीशन पे स्टैंड कर देना है और इस तरह के दो वीडियो शूट करने हैं। और हाँ, जब तक दोनों वीडियो शूट ना हो जाए तब तक आपको अपने मोबाइल को हिलाना नहीं है। हाँ तो फ्रेंड्स, काइन मास्टर ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, बाद में 9:16 वाला रेशियो उसे सिलेक्ट कर लेना है। बाद में आपके फ़ोन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। बाद में आपको मीडिया पे क्लिक करके आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद म्यूजिक के हिसाब से आपको ट्रिम कर लेना है। हाँ तो यहाँ से म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से वीडियो पे क्लिक करके इधर जो सीजर वाला आइकॉन दिख रहा है उस पर ट्रिम टू द लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, वहाँ पर जाके इधर राइट कर देना है। हमें वीडियो को प्ले करके देख लेना एक बार। यहाँ पे वीडियो को स्प्लिट कर देना है। मैं आपको कपड़े बदल लेने हैं, कपड़े बदल के जो सेकंड वाला वीडियो है उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है। वो वीडियो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ से हम स्प्लिट कर देंगे और बाकी का जो ये वाला वीडियो है उसे डिलीट कर देना है। ये वाला वीडियो इधर कट कर देना है, इधर से राइट टू द। बाद में इस वीडियो को डुप्लीकेट एज अ लेयर, बाद में जहाँ पे आप वो पैर इस तरह से आप वो कर रहे हो वहाँ पे ये वीडियो सेट कर देना है लेयर वाला। इसको इस तरह से फिट टू द स्क्रीन कर देना है, ओके। बाद में ये वाला वीडियो आपको डिलीट कर देना है। आपको एक वीडियो एक बार प्ले करके देख लेना है। इस तरह अब आपको क्या करना है, आपको लेयर वाले वीडियो पे जाके इधर क्रॉपिंग का जो ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है और वीडियो यहाँ से ऐसे क्रॉप कर लेना है, ओके। अब फिर से आपको प्ले करके एक बार देख लेना है। बाद में ये बाकी का जो वीडियो है उसे भी कट कर देना है। बाद में आपको वीडियो सेव कर देना है। अभी वीडियो में थोड़ा सा एडिट करने का बाकी है, तो फिर से उस वीडियो को ओपन कर लेना है। 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट करके मीडिया में जाके एक्सपोर्ट में जाके जो अभी आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया है उसे, बाद में इधर यहाँ से आपको ट्रिम कर लेना है। स्प्लिट कट द स्प्लिट करके यहाँ से यहाँ तक का, बाद में इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देनी है, ओके।
और बाद में वो लास्ट वाला जो पोर्शन है उसकी स्पीड कम कर देनी। अब क्या करना है आपको म्यूज़िक डालने के लिए, सबसे पहले मीडिया में जाके अपना कैमरा ओपन करके वो वाला जो वीडियो आपने टिकटॉक से डाउनलोड किया है उस वाले वीडियो को ओपन कर लेना है। इस वाले वीडियो को ओपन करके यहाँ पे कट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाके एक्सट्रैक्ट ऑडियो वहाँ पे जाके ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये वाला जो वीडियो उसे यहाँ से डिलीट कर देना है। ओके बाद में आपको म्यूज़िक से हिसाब से आपको सेट कर देना है। आप देख पा रहे हैं एकदम अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। और यहाँ से आपको सेटिंग में जाके ऑडियो का जो फेड आउट है वो वाला आपको ऑफ कर देना है। और बाकी का जो इधर म्यूज़िक बचा है उसे भी आपको ट्रिम कर देना है। ओके मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, और ये जो वीडियो आपका है उसका भी साउंड आपको ऑफ कर देना है सब सारे वीडियो के। ओके अब एक बार प्ले करके देख लेना है आपको। ओके अब एकदम अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। बाद में आपको यहाँ से जाके एक्सपोर्ट कर लेना है ऐसे करके।